स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। मैं हूँ पुष्कर मेले में। पुष्कर मेला 2022 मैं यहाँ पर आया डमडम से, जो ऑटो रिक्शा होती है उससे। तो ऑटो रिक्शा से जब मैं आया ना, तो 10 रुपीज अजमेर स्टेशन से उन लोगों ने मेरे से लिया, जहाँ पर बस लगती है पुष्कर की, वहाँ तक का। और फिर वहाँ से अगर मैं बस से आता तो 15 रुपीज पुष्कर मेले में आने का जो किराया है, जो चार्ज है, वो 15 रुपीज़ है। पर मैं वहाँ से एक दूसरी ऑटो रिक्शा में बैठा जिसने मेरे से 30 रुपीज़ लिया, पर वो छोटी थी और वो मेरे को यहाँ पर फटाफट लेके भी आ गई। तो मैंने उसी में आने का सोचा और मैं उसी में बैठ के आ गया। तो ये है पुष्कर मेला 2022। अभी मैं आप लोगों को मार्केट का एक ओवरव्यू दिखाने जा रहा हूँ। जैसे आप लोग पुष्कर मेला ग्राउंड पे आएंगे, 200-300 मीटर आगे आने के बाद में राइट हैंड साइड पे आपको ये बड़े बड़े जो झूले हैं वो दिखेंगे। 200-300 मीटर आपको पैदल आना पड़ेगा। ये बड़े बड़े झूले राइट हैंड पे लगे हुए हैं और उसके बाद में ये ऐसा मार्केट लगा हुआ है। सारी छोटी बड़ी चीज़ें यहाँ पर बेचने के लिए लोग आते हैं और बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्केट है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट है। तो इसके अंदर स्पेशली जो चीज़ें बिकती है वो चमड़े की होती है, लेदर आइटम, जैसे कि बेल्ट है, बैग्स है, और उसके बाद में ये कढ़ाई और छुरे। और ये यहाँ पर ये साइड में आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा हथियार हथियार ही बोला जाएगा इनको, यहाँ पर बिकता है। विदाउट धार वाली जो छुरी और जो तलवार होती है वो यहाँ पर बिक रही है। तो ये ऐसा एक मार्केट है यहाँ का। तो ये सब यहाँ पर बिक रहा है, देखिए तलवार है, खंजर है, चाकू है, छुरे है, उसके बाद में ये यहाँ पर आकाशी झूले बड़े बड़े पालने, और उसके बाद में ये राइट हैंड साइड में फिर से वही सब छुरी और घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, जैसे कि कढ़ाई है और तवे है, फ्राई पैन से, देखिए यहाँ पर भी है। किसानों को जो सामान लगता है, जैसे कि उनकी खेती के इस्तेमाल में आने वाली सारी चीज़ें यहाँ पर बिकती है। उसके बाद में होम अप्लायंस, सारी होम अप्लायंस यहाँ पर बिक जाते हैं और सारे हाथों से बने हुए। वो देखिए वहाँ पर एक माता जी बैठी है जो नक्शी का काम कर रही है। और उसके बाद में ये यहाँ पर हथियार, फिर से तलवार, चाकू, छुरी, खंजर। ये एक ऐसा ओवरव्यू है इस मार्केट का। तो ये सब यहाँ पर बिक रहा है, देखिए तलवार है, खंजर है, चाकू है, छुरे है, उसके बाद में ये यहाँ पर आकाशी झूले बड़े बड़े पालने, और उसके बाद में ये राइट हैंड साइड में फिर से वही सब छुरी और घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, जैसे कि कढ़ाई है और तवे है, फ्राई पैन से, देखिए यहाँ पर भी है। तो किसान लोगों के इस्तेमाल में जो सामान लगते हैं, किसानों को जो सामान लगता है, जैसे कि उनकी खेती के इस्तेमाल में आने वाली सारी चीज़ें यहाँ पर बिकती है। उसके बाद में होम अप्लायंस, सारी होम अप्लायंस यहाँ पर बिक जाते हैं और सारे हाथों से बने हुए। वो देखिए वहाँ पर एक माता जी बैठी है जो नक्शी का काम कर रही है। और उसके बाद में ये यहाँ पर हथियार, फिर से तलवार, चाकू, छुरी, खंजर। ये एक ऐसा ओवरव्यू है इस मार्केट का। पुष्कर मेले के अंदर एक टैटू आर्टिस्ट बैठे हुए हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और उनकी कला, ये जो कर रहे हैं, कला दिखा रहे, उसका चार्जेस जो है ना सिर्फ 300 रुपये। मतलब अपने इधर बहुत सारे लोग जाते हैं टैटू बनाने के लिए, तो उसके जो चार्जेस है आप लोगों को पता ही होगा, इंचेस के ऊपर चार्जेस लेते हैं और यहाँ पर वर्ड के ऊपर चार्जेस ले रहे हैं। और ये मिक्स कलर के अंदर इन्होंने इनका नाम लिखा है और इसका जो चार्ज है सिर्फ 300 रुपीज़ है। मतलब कितने सारे इसके अंदर अल्फ़ाबेट है, 1, 2, 3, 4, 5 अल्फ़ाबेट और एक हार्ड है। चलिए थैंक यू वेरी मच। तो थोड़ा सा और आगे आने के बाद में फिर से यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं साज का सामान, फिर से वही दुकानें,
घुंघरू और सैडल्स, पर जैसा साज हम लोगों ने नासिक में देखा वैसा साज यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिला। और ये यहाँ पर ही लोग क्या पता ज़्यादा कैमरे पे आना पसंद नहीं कर रहे, इसलिए शायद ये लोग अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं।